चुनावी नतीजे कहाँ है, चुनाव था ही कहाँ, इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोल्ट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोल्ट, 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोल्ट। तो क्या सच में ऐसा हुआ है जैसा आजम खान आरोप लगा रहे हैं? क्या बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव में दगाबाजी करके बाजी मारी ताकि दिखाया जा सके कि मोदी और योगी के करिश्मे के आगे किसी की बादशाहत बरकरार रहने वाली नहीं है? तो क्या यही वजह है कि आजम खान तिल मिलाए हुए हैं, क्योंकि उनको अपने ही गढ़ में हार का मुंह देखना पड़ा? जिस गढ़ की वो बादशाहत की बात करते हैं, क्या उस गढ़ में बीजेपी सच में सेंधमारी लगाने में कामयाब हो गई? या वो सच है जो आजम खान ने जनता दरबार में आकर कहा कि आपकी जीत को हार में बदल दिया गया? आपकी जीत को हार में बदल दिया है, लेकिन आपको मुबारक जो भी है। अगर ये आरोप सच है तो सच मानिए, दिन दहाड़े बीजेपी ने लोकतंत्र को लूट लिया। सत्ता की हवस के पुजारियों ने लोकतंत्र के जनमत का एक तरह से अपहरण कर लिया, उसका दिवाला निकालकर जनता के बीच उसे प्रसाद के तौर पर बांट दिया कि देखो देखो कैसे बीजेपी ने समाजवादी गढ़ में जीत का परचम लहराया है। वो संस्थाएं जो खुद को निष्पक्ष होने का दंभ भरती हैं, उन संस्थाओं के निष्पक्षता का सरेआम बीजेपी ने जश्न मनाकर जनाजा निकाल दिया, बता दिया कि कैसे उनके राज में चुनाव जीते जाते हैं, कैसे सरकारी मशीनरी का प्रयोग जनमत को लूटने के लिए किया जाता है और फिर उसका कैसे जश्न मनाया जाता है। चुनावी नतीजे कहाँ है, चुनाव था ही कहाँ, इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोल्ट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोल्ट, बस्ती है मुसलमानों की, 500 का पोलिंग, मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। वैसे सच मानिए तो आजम खान ने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी उनके गढ़ को इस तरह से लूट लेगी। वो अपने ही उम्मीदवार आसिम राजा के लिए गढ़ की किले बंदी नहीं कर पाए। आजम ने सोचा भी नहीं था कि आजम कद विरासत के बादशाहत को नहीं बचा पाएंगे। क्या जो आरोप आजम खान लगा रहे हैं वो सच है कि जनता को वोट नहीं डालने दिया गया? अगर ये सच है तो लोकतंत्र के दुहाई देने वाले खतरनाक परिपाटी शुरू कर रहे हैं। 50-50 गाड़ी पुलिस खड़ी है, पुलिस अधिकारी खड़े हैं और वो वोटर्स को रोक रहे हैं। मोहल्ले की सड़कों पर वोटर्स खड़े हैं और उसके नाके पर पुलिस खड़ी है। आप जरा जाकर देखिए पुलिस थानों में कितने लोग बंद हैं, कितनी महिलाएं बंद हैं, पहली बार महिलाएं बंद हैं। अगर इसी तरह से जनता की चुनी हुई सरकारें अपनी बादशाहत का जलवा दिखाने के लिए लोकतंत्र में जनमत का दिवाला निकालेंगी तो लोकतंत्र का लिबास उड़कर निष्पक्षता का ढोल पीटने का क्या मतलब है? जब जनता और उनके नुमाइंदों को ही भरोसा नहीं होगा तो फिर कैसे कोई मान लेगा कि जनता की चुनी हुई सरकार जनता के द्वारा चुनकर जनता के सेवा के लिए बनी है? तब तो कहने के लिए लोकतंत्र होगा, लेकिन असल में जनता के वोट पर लूट तंत्र हावी होगा। आजम साहब, हमने देखा था जिस भी रैली में आप जाते थे तो आप वहाँ मन से ये कहते थे कि पुलिस रोक रही है, तो जो चीजें वहाँ पर हो रही थी अब आज मतदान के दिन भी ऐसा हो रहा है? आपको दिखा? आपको नहीं दिखा? कभी तो सच बोल दो भाई, तभी तो लोगों का भरोसा उठ गया आप लोगों पर से। तो फिर कैसे कोई चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर भरोसा कर लेगा, क्योंकि ना वो आरोपों का जवाब देगा, ना वो जांच कराएगा, ना बात करेगा। ऐसे में सवाल यही है कि जो आजम खान ने आरोप लगाए उन आरोपों का चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है क्या? जीत और हार अलग बात हो सकती है, लेकिन मुस्लिम आबादी में वोट न पड़ने का सवाल तो जायज है, जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्या उसने इस बार जनता को चुनाव डालने के लिए प्रेरित नहीं किया, या फिर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लोगों को वोट डालने से रोक दिया गया, जैसा आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।